सेबी की एक छोटी सी गलती की वजह से इस कंपनी का और कंपनी के इन्वेस्टर्स का 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस कंपनी का शेयर 2017 में 587 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और आज इस कंपनी का शेयर 39 पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी के टोटल भारत के अंदर 90 आउटलेट हैं और ये कंपनी 2017 तक बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन 2018 में इस कंपनी पर सेबी ने इल्ज़ाम लगाया इनसाइड ट्रेडिंग का और बोला कि इस कंपनी के मालिक ने अपने छोटे बेटे और बहू के साथ कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिसकी वजह से उन्होंने स्टॉक मार्केट से करोड़ों का मुनाफा कमाया है। जैसे ही ये न्यूज़ मई 2018 को मार्केट में आई, इस कंपनी का शेयर 3 महीने के अंदर 83% से टूट गया। 3 साल लगे कोर्ट का फैसला आने पर और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इसको 1 करोड़ रुपए का फाइन और 1 साल के लिए ट्रेडिंग से बैन करने की बात की। फिर ये कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर इस केस के जाते ही केस को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि इस केस के खिलाफ सेबी के पास कोई भी प्रूफ नहीं थे। इसका मतलब सेबी ने बिना किसी प्रूफ के इस कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया इनसाइड ट्रेडिंग का। इस कंपनी का नाम पीसी ज्वेलर्स था।